हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आशीष पंचाल फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा थायराइड हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, आज हम देखेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन? एक्चुअली द मेन फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन इज द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द मेटाबॉलिज्म। मीन्स द मेनली द थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी as well as the development and the metamorphism. For an example, we all know that in frog, actually in the larvae form of the frog is known as the tadpole. Now, if we remove the thyroid gland from the tadpole, then what happened? The tadpole never become a frog. Means tadpole kabhi bhi frog nahi ban sakta. Kyunki the thyroid gland is responsible for the normal development and the metabolism. Second, इट इंक्रीज द बेजल मेटाबॉलिक रेट। नाउ व्हाट इज बेजल मेटाबॉलिक? हर एक बंदे में एक फिक्स बेजल मेटाबॉलिक रेट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज सोचो कि एक्स एंड वाई, देर आर टू पर्सन, के बोथ आर रेगुलरली इन रूटीन डाइट, दे आर टेक दिम 1000 kcal डेली। दोनों एक सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी डेली लेते हैं। अब जो एक्स बंदा है उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट है 800 किलो कैलोरी पर डे, और वाई है उसका है 1200 किलो कैलोरी पर डे। तो क्या होगा? इसका जो रेगुलर बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 800 है, और वो डाइट कितना ले रहा है? 1000। सो 200 किलो कैलोरी हर रोज का उसका बॉडी में जमा होगा, और इट कन्वर्ट इनटू ओबेसिटी और इंक्रीज द बॉडी वेट। नाउ हियर, यहाँ बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा? कम, ज़्यादा है जितना डाइट ले रहा है, तो उसका बॉडी वेट क्या होगा? कम होगा। मीन्स दोनों का डाइट सेम है। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि भाई एक दो लोग हैं वो एक जितना ही खाते हैं, पर एक का बॉडी बढ़ता जाता है, एक का बॉडी कम हो जाता है। ओके, तो उसका रीज़न क्या है? कि उसका बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा। सो इट विल रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब थायराइड हार्मोन क्या करेगा? इंक्रीज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। मीन्स वो करता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज इंक्रीज द हीट एंड डिक्रीज द बॉडी वेट। जितना बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, बॉडी वेट उतना कम होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है तो हीट भी जनरेट हो रही है। सो दिस हार्मोन इज नोन एज द कैलोरीजेनिक हार्मोन। ऑल्सो द थायरॉइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी, एंड लास्ट इट इज हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ RBC. So mainly there are four different type of the function of the thyroid gland. First क्या बोला मैंने? Development, growth and the metabolism. Sorry, development, growth and the metamorphism. Second क्या था? Increase the basal metabolic rate. Third क्या था? Electrolyte and the water balance. And fourth one is it help in the increase the RBC production. So these are the main functions of the thyroid gland. So यहाँ हमने इस चैप्टर में क्या देखा? थायराइड ग्लैंड, देयर सिंथेसिस, देयर रिलीज एंड देयर स्टोरेज ऑफ द थायराइड हार्मोन, देन फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन एंड द डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड हार्मोन। अगर बच्चों आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे ये वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।